Hello student, today we start the subject that is industrial automation. In that we see the unit, that is second unit, PLC fundamentals. Okay, in PLC fundamentals, that is the long form of PLC is programmable logic controller. Okay, in that firstly we see the need of PLC, then advantages and disadvantages. Okay, so see this need of PLC. आपको जो है एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं क्वेश्चन इस पे. ओके, तो सी फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन द फुल्ली ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज और प्रोसेस हैंडल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलर्स विच आर नथिंग बट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स. दैट मीन्स पीएलसी प्लेन बेल रोलिंग ऑटोमेशन सेक्टर. ओके, जो पीएलसी है हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इंडस्ट्री और प्रोसेस हैंडल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलर. यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोलर यूज करते हैं. और ये फुल्ली क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है पीएलसी. ओके, आर नथिंग बट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स. ओके, नेक्स्ट है सेकेंड जो है आपका नीड है, PLC constantly monitors the state of the system through the input device and generate control action according to the logic given in the user program. Okay, PLC क्या करता है, constantly जो भी process है उसको monitor करते रहता है system को, किसके वजह से, through input device के से. और क्या generate करता है, control action according to the logic 1 or 0 given in the user program. Okay, next hai, that is it is the heart of control system. Obviously PLC kya rehta hai, jo bhi control system hai, jo aapko subject hai control system, uska jo hai wo kya rehta hai, heart rehta hai. Uske baad mein jo next point hai, PLC provides easy and economic solution for many automation task like logic sequence control, then operator control and monitoring and coordination and communication. Okay, PLC जो है means क्या करता है, जो भी automation है, बहुत सारे जो automation है उसको easy और economic solution क्या करता है, provide करता है. जैसे कि है लॉजिक सीक्वेंस कंट्रोल है जो कि हम लोग 1 and 0 फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है. ऑपरेटर कंट्रोल है, मॉनिटरिंग है, जैसे हम लोग पीसीबी बोल सकते हो, सीपीयू उसमें यूज करते हैं, ठीक है. कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन भी, ठीक है. जो भी ऑटोमेशन ऑटोमेटिक जो भी सिस्टम होती है इंडस्ट्री में, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीएलसी में यूज करते हैं, ठीक है. नीड ऑफ पीएलसी होते हैं, ठीक है. उसके बाद में फिफ्थ देखो, फिफ्थ है आपका ऑटोमेशन सिस्टम. सी द फिफ्थ पॉइंट, ऑटोमेशन सिस्टम इज ग्रेटली डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ पीएलसी टू स्कैन द सिग्नल्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. जो भी ऑटोमेशन सिस्टम है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड्स रहती है, जो भी पीएलसी की स्कैनिंग की एबिलिटी है, सिग्नल हम जो सिस्टम को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वेरियस फील्ड्स में, उसके ऊपर डिपेंड रहती है. सीएनसी मशीन विच इज पॉपुलरली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज. ओके, सीएनसी मशीन हम लोग मोस्ट ऑफ द ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूजेज द पीएलसीज टू कंट्रोल डिफरेंट ऑपरेशन. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी हम लोग जो है डिफरेंट ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए पीएलसी को यूज करते हैं. उसके बाद में ऑटोमेशन इंक्रीजेस ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ऑब्वियसली अगर ऑटोमेशन रहा मींस ऑटोमेटिकली सब जो है वर्क होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट है या फिर सिस्टम है, प्लांट है, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है,
प्रॉफिट भी होता है और प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है ऑटोमेटिक होने के कारण, और प्रोडक्ट क्वालिटी भी बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ऑटोमेटिक जो सिस्टम होने के कारण। ठीक है, उसके बाद में जो सिक्स्थ पॉइंट है वो देखो, ऑटोमेशन रिड्यूस प्रोसेस टाइम, मैन पावर, पर्सनल एक्सीडेंट, प्रोडक्ट कॉस्ट। यस, ऑटोमेशन अगर रहा तो क्या होता है, आपका जो टाइम है, जो भी काम करने को लगता है, वर्क करने को लगता है, वो कैसे होता है, रिड्यूस होता है बिकॉज ऑटोमेशन सिस्टम रहती है। मैन पावर भी क्या लगता है, कम लगता है। पर्सनल एक्सीडेंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। यस, और प्रोडक्ट कॉस्ट भी क्या होती है, रिड्यूस होते हैं बिकॉज जो भी ऑटोमेशन, अगर जो है आपकी सिस्टम जो है ऑटोमेशन में अगर रही तो क्या होता है, उसका कॉस्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर कम इसमें सिस्टम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन इन पीएलसी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी के एडवांटेजेस क्या है, ये हम लोगों ने नीड्स देखी थी, अभी एडवांटेज देख रहे हैं। फर्स्ट है फास्टर स्कैन टाइम। स्कैन टाइम जो होता है वो फास्ट होता है। उसके बाद में हाई स्पीड काउंटर्स। उसके बाद में रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या, हम लोग रिलायबिलिटी भी रहती है, मीन ट्रस्टफुल रहते हैं। ठीक है, मिनिमम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी क्या रहता है, उसका मिनिमम रहता है। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग, मीन्स हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहते हैं, मीन्स उसको रीप्रोग्राम भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल फिजिकल साइज, जो साइज होती है उसकी भी स्मॉल होती है। शॉर्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम, जो भी इम्प्लीमेंटेशन टाइम लगता है वो कैसे लगता है, कम लगता है। शॉर्टर ट्रेनिंग टाइम रिक्वायर्ड, जो भी ट्रेनिंग करने के लिए है वो सिस्टम पे, मीन्स अगर वो सिस्टम हैंडल करने के लिए जो भी ट्रेनिंग होता है उसका भी टाइम कैसे लगता है, कम लगता है। इजियर मॉडिफिकेशन, हम लोग मॉडिफिकेशन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल अप्लीकेशन। ठीक है, जो भी अप्लीकेशन है कंट्रोल करने के लिए, उसकी जो रेंज है वो कैसे रहती है, वाइड रहती है। कैपेबल टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, मीन्स वो कंप्यूटर के साथ भी क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, मीन्स कंप्यूटर को भी हम लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिजाइन इजीली चेंज्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जो डिजाइन है वो इजीली चेंज कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर से। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो देखेंगे, दैट इज डिसएडवांटेजेस। ओके, ये अभी डिसएडवांटेजेस है ऑफ पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ओके, तो डिसएडवांटेज है, फर्स्ट सम पीएलसी टर्न ऑन व्हेन पावर इज रेस्टोर्ड एंड मे कॉज एनी एक्सीडेंट। मीन्स क्या होता है, कोई कोई पीएलसी में क्या होता है, जो है उसका जो ऑन प्रोसेस है वो कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम में होता है, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी भी ऑन होता है या फिर ऑफ होता है, तो उसके वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। व्हेन पावर इज टर्न ऑन, सम पीएलसी टर्न ऑन व्हेन पावर इज रेस्टोर्टेड, मीन्स रेस्टोर्टेड मीन्स अगर पावर भी चला गया हो, मीन्स लाइट चली गई हो, तो वो पीएलसी जो है ऑन हो जाता है कभी कभी, कोई कोई पीएलसी। ओके, तो उसके वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ इंजरी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, देयर आर लिमिटेशन ऑफ वर्किंग ऑफ पीएलसीज अंडर हाई टेम्परेचर कॉमा वाइब्रेशन कंडीशंस। ओके, तो क्या होता है, कोई की पीएलसी पे काम करने के लिए लिमिटेशन होता है कि कोई की पीएलसी ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही काम कर सकता है या फिर वाइब्रेशन कंडीशंस में ही काम कर सकता है, मीन्स उसको लिमिटेशन रहते हैं, ये भी उसका क्या है, डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, रिले बेस्ड सिस्टम आर लेस कॉस्टली देन द पीएलसी। ओके, जो भी रिले बेस्ड सिस्टम होती है वो क्या होती है, एज कंपेयर टू पीएलसी से क्या होती है,
कम कॉस्टली होती है, मीन्स कम बजट में मिलती है। ये भी क्या है, पीएलसी का डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज का जो पॉइंट है आपको जो कवर हो चुका है वो है नीड नीड ऑफ पीएलसी, देन एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। ओके, सो टुडेज लेक्चर विल बी एंड एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी सीन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।